नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं एनबीसी 24 न्यूज़। बिहार में लगातार शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो उन अभ्यर्थियों की भारी जो है वो नहीं होती है। बात कर ले एसटीटी अभ्यर्थी या फिर सीटेट बीटेट अभ्यर्थी, लगातार गर्दनीबाग धरना स्थल पर प्रदर्शन करते हैं, तमाम जो मंत्री हैं उनसे मिलते हैं, तमाम जो अधिकारी हैं उनसे मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिलता है। इसी बीच आपको बता दें, लगातार तमाम अभ्यर्थियों ने बीते दिनों ट्विटर कैंपेन भी चलाया था। एक बार फिर से तमाम अभ्यर्थी जो हैं एसटीईटी के, उन्होंने ट्विटर कैंपेन चलाने की बात कही है। वहीं एक शिक्षक अभ्यर्थी हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, उन्होंने एक वीडियो जारी किया। क्या कुछ कह रही हैं इस वीडियो में, गाना के जरिए वो सुने आप। 30 अप्रैल के ट्विटर पे आई अपन दाम सखी दाना दिखाई, छोड़ा अब स्वेटर के बुनाई, चला मिलजुल के ट्विटर चलाई। सारी बहनों से मैं आग्रह करना चाहूँगी, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि 30 अप्रैल को हमारा ट्विटर कैंपेन है, तो आप लोग इसमें भाग जरूर लें। जिसको समझ में नहीं आता है ट्विटर के बारे में, वो हमसे पूछें, वो हमको डायरेक्टली मैसेज करें, हमको फ़ोन करें। मेरा नंबर है ग्रुप में, आप लोग फ़ोन कर सकती हैं, मैसेज कर सकती हैं, मैं हर संभव आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और मैं चाहूँगी कि आप लोग भारी से भारी संख्या में ट्विटर पर जुड़ कर और ट्वीट करके और इस सरकार के तख्त को हिला सकती हैं। आप में वो दम है, आप में वो जज्बा है, आप सब कुछ कर सकती हैं। आप नारी हैं, आप श्रद्धा हैं, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। आप लोग मिल के एक साथ आइए, वरना मैं अकेली पड़ जाऊँगी। और मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है अकेले काम करने में, आप लोग मेरे साथ आइए। और मेरी बहनें, सातवां चरण के लिए जो भी कैंडिडेट मेरी बहनें हैं, मेरी महिला मित्र हैं, उनसे मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा साथ दें प्लीज। 30 अप्रैल को जो ट्विटर कैंपेन है उसको सफल बनाने में आप लोगों की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। तो आपने सुना, एसटीईटी की महिला शिक्षक अभ्यर्थी थी, उनका साफ साफ कहना था कि 30 अप्रैल को ट्विटर कैंपेन चलेगा, जिसमें तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो हिस्सा लें, ट्वीट करें, ट्वीट के जरिए शिक्षा मंत्री से रिक्वेस्ट करें कि जल्द से जल्द जो बहाली है वो हो। लगातार तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी से मिल चुके हैं, लगातार विजय चौधरी की तरफ से आश्वासन मिलता है। जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं उनसे भी तमाम अभ्यर्थियों ने मुलाकात की है, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिलता। कभी कहा जाता है होली के बाद हो जाएगा, तो कभी कहा जाता है अप्रैल माह के पहले हफ्ते में बहाली जो है वो हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी परेशान चल रहे हैं, बेरोजगार फिर रहे हैं। लगातार शिक्षा व्यवस्था को लेकर बिहार में सवाल होता है। वहीं तमाम अभ्यर्थियों ने यह आह्वान किया है कि 30 अप्रैल को ट्विटर कैंपेन चलेगा। फिलहाल तमाम महिला अभ्यर्थियों को आपने सुना क्या कुछ उनका कहना था, वहीं उन्होंने गाना के जरिए अपना बात रखा है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एनबीसी 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।